अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने लेसन की रीडिंग की थी। लेसन नंबर 3 हमने पढ़ा था, मन का सुंदर, है ना, और समझाया भी था मैंने आपको उसको। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था कि शब्द अर्थ इसके आप कंप्लीट करके लाइए। शब्द अर्थ में था लड़का, बॉय, गमला, पॉट, चिड़िया, स्पैरो, घायल, वाउंडेड, है ना, ये सारे जो है आपने कर रखे होंगे। और एक बात सुन लीजिए कि आपका जो सिलेबस है, आपके जो बुक्स है, वो स्कूल में आ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं खरीदा अभी तक, वो आकर स्कूल से आपके बुक्स कलेक्ट कर लें, ठीक है। और अब चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ से, ये देखिए, ये पार्ट से, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सही उच्चारण करो, प्रनाउंस करेक्टली, ये है सुंदर। आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं, आप मेरे साथ मेरे बाद इसको दोहराइएगा, सही उच्चार कीजिएगा उसका। सुंदर, अंदर, चिड़िया, दवाई, घायल, कटोरी, है ना, इसको आप रीड कीजिए। कम से कम इन वर्ड्स को आप 10-10 बार, एक एक वर्ड को 10-10 टाइम्स आपको इसको दोहराना है। जैसे सुंदर सुंदर सुंदर, अंदर अंदर अंदर, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, इस तरह 10-10 मरतबा, दवाई दवाई दवाई, 10 टाइम इसको सबको पढ़ना है आपने। नेक्स्ट अगला है, सुनो और बताओ, लिसन एंड आंसर, ठीक है। तो इसको हमको ओरली नहीं करना है सिर्फ, बल्कि हमको इसको रिटर्न में भी करना है। रिटर्न भी आप इसको करिए, ठीक है। तो क है आपका कि लड़के का नाम क्या था, आप खुद सोचिए, पहले समझिए आंसर को। अगर नहीं आता है तो आपको रीड करना चाहिए लेसन एक दो मरतबा और, वैसे तो आ जाना चाहिए, आ गया होगा आपको, है ना, रीड करके देखिए आप इसको। फिर अगला है ख, गमला कहाँ था, गमला कहाँ था। फिर है ग, चिड़िया कैसी थी। नेक्स्ट है चिड़िया क्यों नहीं उड़ी, ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समझो और बताओ, अंडरस्टैंड एंड आंसर। क है इसका लड़का कहाँ जा रहा था, ख गमले के पास क्या था, और ग सुंदर ने चिड़िया को क्या दिया, ये सारे आपने देख लेना है, ओके। उसके बाद में इसके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आंसर्स मैंने करके रखे हैं, तो आप इसको, क्योंकि नोटबुक में लिखना है इसलिए गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो सुनो और बताओ, लिसन एंड आंसर के आंसर देखिए आप, कि लड़के का नाम क्या था, तो इसका उत्तर है लड़के का नाम सुंदर था। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग स्लो होंगी तो आप पॉज कर लीजिएगा उसको और फिर से देखिएगा। फिर ख है गमला कहाँ था, तो उत्तर है गमला बगीचे में था। ग चिड़िया कैसी थी, उत्तर है चिड़िया घायल थी। घ चिड़िया क्यों नहीं उड़ी, उत्तर है क्योंकि चिड़िया घायल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा समझो और बताओ, अंडरस्टैंड एंड आंसर। उसके देखिए आप, क लड़का कहाँ जा रहा था, उत्तर लड़का बाजार जा रहा था। ख गमले के पास क्या था, उत्तर गमले के पास एक चिड़िया थी। ग सुंदर ने चिड़िया को क्या दिया, उत्तर है सुंदर ने चिड़िया को पानी दिया, है ना। तो ये सारे जो है आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं, आपके नोटबुक में आपको इसको उतारना है, नोटबुक में इसको करना है, ठीक है। फिर से मैं पढ़ के दे रहा हूँ। पहला प्रश्न, लड़के का नाम क्या था, लड़के का नाम सुंदर था। गमला कहाँ था, गमला बगीचे में था। चिड़िया कैसी थी, चिड़िया घायल थी। चिड़िया क्यों नहीं उड़ी, क्योंकि चिड़िया घायल थी। फिर समझो और बताओ, अंडरस्टैंड एंड आंसर। क लड़का कहाँ जा रहा था, उसका उत्तर है लड़का बाजार जा रहा था। ख गमले के पास क्या था, उत्तर है गमले के पास एक चिड़िया थी। ग सुंदर ने चिड़िया को क्या दिया, उत्तर है सुंदर ने चिड़िया को पानी दिया। बेटा होमवर्क पूरा करना है, वर्क पूरा करना है, आपने कर लेना है घर पे बैठ करके, ठीक है। अच्छी हैंडराइटिंग निकालना है, हाँ, अच्छे से अच्छा आपने लिखना है। आपके पास फुल टाइम है, टाइम दीजिए, पढ़ाई के लिए भी टाइम दीजिए, सिर्फ खेलना ही नहीं है आपने, बकायदा टाइम बनाइए पढ़ने।